सो हे गाइस, प्यार तूने क्या किया पार्ट 5 का मैंने छोटा सा क्लिप लास्ट में डाल रखा है, तो इस वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड अभी से लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत बवाल होने वाली है। तो यार से लास्ट तक देखो। उसके भाई को तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है, क्या वो अपने भाई का बदला ले पाएगा? मैं लूंगा मेरे छोटे भाई का बदला। प्यार, थोड़ा सा और प्यार, बहुत ज्यादा प्यार और कुछ ज्यादा ही प्यार। बोला था ना तेरे को, अपुन को हराने वाला पैदाइश नहीं हुआ बे। मेरे जैसे फुद्दू रेसर को हरा के खुद को रेसिंग का बाप समझता है। हराना है तो असलियत में जाके काल को हराना, तो मानूंगा रेसर। काल तो कहाँ मिलेगा ये कीड़ा? कीड़ा समझने की गलती करना मत। पहली बात तो ये बहुत बड़े गुंडे का बेटा है, और दूसरी बात रेसिंग का बाप बीमा शक्ति में मिल जाएगा। जा काल। इधर काल का नाम अच्छे से ले, क्योंकि उसे हराना नामुमकिन है। क्या चाहिए काल से? अरे चूतियो, तुमसे नहीं चाहिए, काल से चाहिए। क्या? मैं ही हूँ काल, बोल क्या हुआ? अरे ये हुई ना बात, सुना है तू रेसिंग का बाप है, हो जाए के खान। मुझसे रेस करेगा, चला जा, 5-5 लाख रुपए का। तुझे इतना ही भरोसा है खुद पे? तो बाजी 5 लाख की क्यों, 50 लाख की लगाते हैं ना, चला जा। मंजूर है, हारा और नहीं दिया तो जान से जाएगा। तैयार रख में साले। अब एक ही तरीका है, जिस रेस से तू मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, असल में मैं उस रेस का सिकंदर हूँ बे। निकाल मेरे 50 लाख। क्या चाहिए तेको? 50 लाख? साले जीत गया तो मुझसे पैसे लेगा? हाँ, मार के यहीं फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। पैसे नहीं थे तो भिखारी की औलाद रेस भी नहीं करना था ना। अगर रेस किया है तो चल मारपीट से ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वसूल हुआ मेरी जान। अरे काल भैया को मारा, अब देख मैं तेरा मुंह तोड़ता हूँ। तो तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, काल के गुंडे हो, काल के गुंडे हो। ओ, आगे क्या लिखा था यार? अरे तो भाड़ में जाओ ना, काल के गुंडे हो तो। और हाँ, इसका बाप कौन था बे? पता नहीं, जो भी है बोल देना, अभी राज आया था, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जिसके ऊपर हाथ उठाया है ना, जानता नहीं अभी तू से, कल तेरी लाश मिलेगी, वादा है। कल मैं तुझे 2 रेपटा और मारूंगा, ये मेरा वादा है।
अपने भाई की आठ लव स्टोरी भी है भाई। पापा मुझे आज तक इसे न छुआ भी नहीं था और आज उस अभिराज ने तुझ पे हाथ उठा दिया। बेटा आराम कर, मैं उसके हाथे तुड़वा देता हूँ ना। नहीं पापा, हाथे नहीं तुड़वानी, जान से मार दूंगा मैं उसको। अरे तो जाना बेटा, पीछे से मैं तो सपोर्ट में हूँ ही। जाओ जाओ ठेल दो साले को। जी पापा आपका शुक्रिया, कल उसे काट कर उसके अंगों को गिन दूंगा। पापा कल मैं उस हरामी से उसकी सांसें छीन लूंगा। अरे मेरी जान बाहर तो आओ, तुम्हारे स्वागत का इंतजाम कर रखा है। कौन है ये सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है? तेरा बाप, अब तेरी जिंदगी भी खराब करूंगा मैं। अबे शेर का बेटा या सुअर का, झुंड में आया है? जितना मुंह चलाना है चला ले, अब बता कहाँ जाएगा? कल तो बहुत हाथ चल रहा था तेरा। कल तुझे रेस में फोड़ा, फिर तेरा मुंह भी तोड़ा। एक बात सच सच बता रहा हूँ मेरी जान, तू सच में है बहन का, आगे ऑडियंस समझदार है बे। बहुत बकवास कर रहा है, मारो रे इसको। मुझे पकड़ पाना नामुमकिन है बे साले, आ जा। यहाँ हमारा अभिराज पकड़ा जाता है, अब देखो। कल मेरे बेटे पे हाथ उठाया था, जरा बताओ रे इसको हम लोग कौन है? वही सुअर हो तुम सब जो झुंड में आते हो अकेला शेर से लड़ने। यार कालिया इसका मुंह बंद करा के। मैं सरदार के ऊपर हाथ उठाया, अच्छा नहीं किया, अब भुगतो, अब मारेंगे ऐसा कि मुद्दोगे एक के बार में। आज डर के नहीं टट के सामना करूंगा, आ जाओ जितनों को आना है। अब एक काम बता गलत का। मेरा विश्वास ऐसे ये सबको मार देगा गोलियों से, भूंदो साले को। मौत भी उसे क्या डुबाएगी जो मौत के नदियों में तैरना जानता हो। जान से जाता है, मेरा भाई जानेगा ना, आएगा जरूर आएगा तुम सबकी मारने। अरे 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 पापा हम लोग तो डर गए। बेटा अगर तेरा भाई या तेरा बाप आएगा ना तो तुझसे भी गंदी मौत देंगे। मैं एक सलाह देता हूँ, मेरे भाई को हल्के में मत लेना वरना वो खून के आंसू रुला देगा। उस दिन उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। ये जीत थी इन लोगों के लिए कि कोई भी इनके खिलाफ आएगा वो मरेगा, लेकिन वो आ रहा था। उसका भाई आया था अपने भाई से मिलने,
उसका भाई उसे कहीं नजर नहीं आता है। उसे लगता है शुरू में वो कहीं बाहर गया होगा, लेकिन अरे ऋतिक भैया रुकिए, आपको कुछ बताना था। हाँ अभिषेक, तुम तो अभिराज के दोस्त हो ना। भैया वो क्या है ना कि अभिराज नहीं रहा। ए क्या बोल रहा है तू? हाँ अगर ऐसा है तो ये हुआ कैसे? भैया अभिराज के पंगे हुए थे काल नाम के लड़के के साथ, अभिराज ने उसे मारा तो उसके बाप ने अभिराज को मार दिया अपने गुंडों को लेके आके। मेरे भाई को मारा है, एक बच गया ना तो बोलना कहाँ मिलेंगे वो। पोचिनोक भैया पोचिनोक में मिलेंगे। भाई जान से भी ज्यादा प्यारा था, और भाई की जान गई तो जान तो लेनी पड़ेगी ना मेरी जान। आज कह रहा है बिरुख अपने पाप को कॉल करके। पापा पापा मुझे बचा लो, उसका भाई आ गया है, मैं भीम शक्ति के आगे हूँ, जल्दी आओ। सुना मेरे भाई को बहुत बेदर्दी से मारा है तुमने, सच है क्या? तू दो मिनट रुक तो, मेरे बाप को आ जाने दे, तुझे भी बेदर्दी से मार देंगे। उसके बाप को जैसी खबर मिलती है उसका बाप भागा चला आता है। ऋतिक जैसे ही उसको आता देखता है सीधा इसको मार देता है। अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी असली जंग बाकी है, आ जाओ। मेरे भाई को मारा था ना, मरो। भाग कह रहा है मैं सुबर का राजा, बजाता हूँ तेरा बाजा। मुझे छोड़ दो बेटा, मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे भाई को मारा तब तुझे तरस नहीं आई? चल कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई, आज मैं तुझ पे तरस दिखाता हूँ। जा चला जा, अगर बच गया आज तो बच जाएगा। भाई को हाथ नहीं लगाना था मेरी जान। क्या हुआ है जल्दी बताओ। वो आ गया है अच्छित को मारने, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं रोकूंगा आपको। निकालो मुझे, जल्दी निकालो यहाँ से। बहुत कम टाइम है आपके पास, अभिनंदा फंसा हुआ है, जल्दी वो निकलता होगा, तब तक अच्छी को मार दीजिए। तुम्हारा शुक्रिया मेरे सर, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा पैसा तुम तक पहुँच जाएगा,
अच्छित बेटे और तुम्हारी मौत तुम तक पहुंच जाएगी। तो अच्छित हाँ जा। नहीं, ये गोली चलने की आवाज। अच्छित तू ठीक तो है ना? अभिनंदन अंकल उधर भागा है, इसने विराज को गोली मार दिया। और भाई ये वीडियो कैसी लगी? पीसी क्लाइंट नहीं था तो दिक्कत हुआ, लेकिन अगला वीडियो पीसी क्लाइंट से आएगा, यानी कि प्यार तूने क्या किया का पार्ट 5 आने वाला है पीसी क्लाइंट के साथ, जो कि बहुत धमाकेदार होगा, मतलब बहुत अलग लेवल पे। तो उस वीडियो को देखने के लिए अभी से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट सब लोग कर रहे हैं, एक कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी एंड पार्ट 5 के लिए कितना एक्साइटेड हो, और एक एक शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और अभी तुरंत जानना है कि इसके आगे क्या होगा, देन इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो, फॉलो कर लेना, उधर उधर मैं सारे अपडेट्स देता हूँ कब कौन सी वीडियो आएगी, तो जल्दी जाओ फॉलो करो एंड स्टोरी चेक।